नमस्कार, मैं अंशु और आप देख रहे हैं M4U न्यूज चैनल। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू के निर्देश पर प्रदेश व्यापी अभियान के अंतर्गत डीजल और पेट्रोल के दामों में लगातार हो रही बढ़ोतरी के विरोध में अंबेडकर नगर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राम कुमार पाल के नेतृत्व में प्रदर्शन करते हुए पदमार्च करते हुए बहुत हुई महंगाई की मार, बंद करो मोदी सरकार का उद्घोष करते हुए विद्युत विभाग तक पदयात्रा की गई। दिखाते हैं पूरी खबर। बता दें कि जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राम कुमार पाल ने कहा कि आजादी से लेकर अब तक का डीजल सर्वोच्च दाम पर है। यही नहीं, डीजल ने पेट्रोल को पछाड़ा, अपने आप को नंबर एक पर स्थापित कर लिया, जो महंगाई को बढ़ाने में सहायक होगा। जिला कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष मेराजुद्दीन की छोछवी ने कहा कि सरकार आम जनमानस का ध्यान रखते हुए डीजल और पेट्रोल की कीमतों को अविलंब रोकना चाहिए, जिससे महंगाई रोकी जा सके। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य सुनील मिश्र ने कहा कि देश की जनता अभी कोरोना महामारी की मार झेल रही है, ऐसे में पेट्रोलियम दामों में वृद्धि जनता के साथ अन्याय है। डॉ विजय शंकर तिवारी ने कहा कि सरकार ने डीजल और पेट्रोल की कीमतों को अनलॉक कर दिया है, जिससे पेट्रोलियम पदार्थ बेलगाम हो रही है। अपने आसपास की लेटेस्ट खबरें देखने के लिए हमारे चैनल M4U न्यूज को लाइक व सब्सक्राइब करना ना भूले, साथ ही बेल का आइकन दबाएं, जिससे सभी न्यूज आपको टाइम पर मिले। आप अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं।